नम आंखों से शेयर कर रही हूँ प्रहलादा की कुछ यादें जो कि मेरे कैमरे में कैद थी। श्रद्धांजलि है संगीत जगत के उस लोक गायक को जिसने असमय ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसने नए पुराने कई सुपरहिट गाने देकर लोगों के दिल में खास जगह बनाई, जिसने संगीत के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए। प्रहलाद मेहरा अल्मोड़ा आकाशवाणी में ए श्रेणी के गायक थे। देखते हैं प्रहलाद दा की उन्मुक्त गायकी की एक झलक। आभार किताब कौतिक के आयोजक हेमपंजी और दयाल पांडे जी का, मुझे किताब कौतिक के माध्यम से ही प्रहलाद मेहरा जी से जुड़ने का मौका मिला। हरदम मुस्कुराता चेहरा, सरल स्वभाव, आवाज के धनी प्रहलाद मेहरा, जिन्हें छोटा बड़ा हर कोई प्रहलादा कहकर पुकारता। 1989 में उन्होंने अल्मोड़ा आकाशवाणी में स्वर परीक्षा दी और उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के सीनियर स्टार सिंगर बन गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो गोपाल बाबू गोस्वामी, नरेंद्र सिंह नेगी, हीरा सिंह राणा, चंद्र सिंह राही के गीतों से बहुत प्रभावित थे। प्रहलाद दा अब तक 150 गानों में अपनी आवाज दे चुके थे। पहली बार मुलाकात हुई पिछले साल भीमताल किताब कौतिक में, फिर यही कोई 5 महीने के अंतराल के बाद दोबारा हल्द्वानी में आयोजित किताब कौतिक में उत्तराखंड के लोक संगीत पर हुई वार्ता को रिकॉर्ड करने का मौका मिला। तब कौन जानता था कि ये उनका आखिरी संवाद होगा, यह आवाज और यह मुस्कुराता चेहरा पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। वो जितने बड़े गायक थे उससे भी कहीं अच्छे इंसान थे। तो चलिए सुनते हैं कि वो किस तरह की सोच रखते थे। उत्तराखंड का संगीत उद्योग, इसका विस्तार और चुनौतियां, तो इस विषय पर वार्ता शुरू करने से पहले मैं अतिथि का एक सूक्ष्म परिचय देना चाहूंगा। हमारे बीच है आदरणीय नवीन टोलिया जी। जितने भी कलाकार हैं यहाँ उत्तराखंड के, चाहे वो कुमाऊ हो, गढ़वाल हो, सबको बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रमोट करते हैं। और हमारे बीच है लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी, जो कि उच्चारी पिथौरागढ़ से मोड़कर हैं और यहाँ पर फिलहाल बिंदु कंथा में रहते हैं और बहुत सारे गीत आप लोगों ने इनको सुने होंगे। और लोक गायक संदीप सोनू जी, जो अभी उभरते हुए हमारे लोक गायक हैं। आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संस्कृति में संगीत का क्या योगदान है। धन्यवाद नितेश जी, किताब कौतिक के अवसर पर आए आप सभी विद्वानों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आप लोग, आप सारे विद्वान लोग हैं, हम तो मतलब आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है। आज दीदी की गोली नहीं खा के लिए। तो संगीत हमारे मतलब भाषा और संस्कृति, मेरे ख्याल से हमारी मूल पहचान वही है कि हम जिस भाषा में बोलते हैं, जिस संस्कृति सभ्यता का हम उपयोग करते हैं, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, वही हमारी पहचान है। तो हम अभी यहाँ पर जैसे कुमाऊनी मैं कुमाऊनी भाषा संस्कृति से बिलोंग करता हूँ, मैं कुमाऊनी भाषा में और कुमाऊनी संस्कृति सभ्यता के गीतों का की रचना भी करता हूँ और उनको प्रस्तुत भी करता हूँ अपने स्वर के माध्यम से। तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी प्रकृति की सुंदरता और हमारे खान पान, ये सारे हम अपने गीतों के माध्यम से पूरे दुनिया को दिखा सकते हैं। हमारे गीतों में जो हमारे पहाड़ की जो सुंदरता होती है और जो हमारे पहाड़ का यहाँ का जो खान पान होता है, जो यहाँ के पहनावा होता है, जो यहाँ के विचार यहाँ के लोगों के होते हैं, यहाँ की संस्कृति होती है, उन गीतों के माध्यम से सारी दुनिया उसको देखती है। संस्कृति मैं कहूँगा जैसे अर्थ पर ज्यादा वो करती है। आज जितने संसाधन बढ़ते हैं तो उतने पैसों की भी आवश्यकता बढ़ती है, तो हम अपनी चीज़ों को प्रसारित करने के लिए आज हमें अधिक धन की भी आवश्यकता होती है। तो धन के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सामने वाले को जो मन में अच्छा लगता है, जो सामने वाले को पसंद आ रहा हो, हम उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सा हम अपने संस्कृति को अपने आर्थिक की तरफ भी जोड़ रहे हैं, हमारी
अर्थव्यवस्था है जो हमारी खुद की, जो लोक कलाकारों की है, जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको पैसों की भी आवश्यकता होती है, तो उनको इस तरह का के गीत और इस तरह के नृत्य, इस तरह के दृश्य उसमें आप लोगों को दिखाए जाते हैं, और उसमें थोड़ी बहुत वो भी आ जाती है जिनको क्या कह सकते हैं, उस शब्द को कह नहीं पा रहा, समझ सकते हैं कि सिक्के के दो खट एक खट हो एक चलने वाले तो विसंगतियाँ आ जाती हैं। तो हमारे जितने आप सब लोग विद्वान हैं, सब आप लोग अपने कविताओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समय समय पर उसको आगाह कराते और सावधान कराते रहते हैं, तो उससे अब आगे भी आप सावधान कराते रहिएगा, क्योंकि अधिकतर चीज़ें आदमी ये पैसा जो आज की जो उल्लू हो जाता है, तो इसलिए ये कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही हैं। तो आप लोग सब लोग इस तरह की संगोष्ठियाँ होती हैं, इस तरह की सभाएँ होती हैं, और तमाम समाचारों में आजकल अपने अपने सबके यूट्यूब चैनल हैं, उनके माध्यम से आप सब लोग उसको उजागर करते रहते हैं और करते रहिएगा। जहाँ पर गलत होता है, गलत को गलत कहना उचित है और जो सही है उसको प्रोत्साहन भी दिया गया है। अधिकतर विद्वान क्या करते हैं, जितने लोग होते हैं गलत को एकदम गलत कह देते हैं, लेकिन सही के बारे में चुप हो जाते हैं। तो मैं आप सब विद्वानों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि सही को भी आप ज़्यादा उजागर करिए। मैं अपने ग्रुप को लेके गया था और प्रोग्राम कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो तब से बंदा थोड़ा सा देवने टाइप का मेरे पीछे पड़ गया, फला भाई फिली पिटा वाला होगा, फिली पिटा वाला का मैंने मैंने कहा भाई कहूँगा तो मेरा चंडगण मैंने जैसा आष्टी गीत जैसा उसको लास्ट में गाता हूँ, तो फिर नहीं गाया मैंने तो आगे अंदर आगे बड़े यहाँ से ये अपनी बेवड़े जैसे बोलते हैं और यहाँ पे बोल नहीं सकता है, वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैं जब कार्यक्रम निपट गया कि भोजन करने गया तो वहाँ भी वो आ गया, तो बोला तुमने वो जलेबी का नहीं सुना है, मुझे खाना खाने दो जलेबी का कल होगा। और रात को भी जब जहाँ कमरे में हमारी स्कूल में व्यवस्था होती है, जहाँ दरवाजे खिड़कियाँ ना के बराबर होती हैं, उनको अपने हिसाब से उनको करना पड़ता है एयर कंडीशन, तो वहाँ पर हमारे साथ में उत्तराखंड पुलिस के सिपाही भी थे, एक तरफ उनका वो था और उन्होंने कहा सब बढ़िया हो गया सेफ हो गया, हमारे साथ पुलिस भी है। तो रात को ही देवड़ा अपने चार सौ बेवड़ों को लेके आ गया, तो जितनी भी गालियों का जो संग्रह होता है उसने सारा बिखेरा, और मैंने कहा मुझे सब जो भी गाली दे रहा हो थोड़ा ज़रा समझाओ उसको, भाई हमारी जो ड्यूटी का तुम हो गई उनको सोई के रेला डंडा मुझे दो, तो मैं पुलिस वालों का डंडा लेके उनके पीछे चला गया गाँव तक। अध्यक्ष को फोन किया, मैंने कहा अध्यक्ष यार देखो ये कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कर रही हैं कि हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बोला भाई यार कल सुनो मिलना। तो ग्रुप इतनी जगह से लड़के लड़कियों को ले जाना अपने साथ गाड़ियों में, फिर उस जगह पे आयोजक क्या होते हैं, आयोजक को मतलब उनको चट मसाला चाहिए होता है, मंच में उनको सुनकर बोल बोला महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हाँ भाई सब महिलाएं हैं, और गायिका भी है, वैसे मैं तो खुद गायक हूँ, गायिका क्या चाहिए, फिर नहीं गायिका भी चाहिए, तो उस पैसा उसका तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं आपको तो सरकार देती है, ये सारी चीजें बहुत बहुत कठिन काम है। चलिए देखते हैं भीमताल किताब कौतिक की सांस्कृतिक संध्या की कुछ झलकियाँ, जहाँ प्रहलादा की गायकी ने महफिल का दिल जीत लिया और ऑडियंस को थिरकने पर मजबूर किया। माध्यम से जो अभी प्रहलाद मेहरा जी ने गाना गाया वो एक कोशिश है कलाकार की कि वो कैसे कैसे अपने संघर्ष अपने लोग को सामने ला सके। I'm gonna go to the hospital.
कहा जाता है कि वो कठिन से कठिन गीत भी सरलता से गाते थे। उनके गीतों में हर कोई अपने आप को जुड़ा पाता है। काछू त्योर जलेबी को डाब, एकली की लय खांची, थोड़े डाल दे मेरे खाब। ये गीत उस मर्म को दर्शाता है जब दूर जंगल से घास और लकड़ियां लाती महिलाएं पल भर के लिए जलेबी की दुकान पर सुस्ता लिया करती थी। सही मायने में देखा जाए तो उत्तराखंड में कलाकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनका मानना है कि तालियां तो बजती हैं लेकिन मदद नहीं मिलती।